हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। की हाल चाल जी, कैसे हो? सारे ठीक हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी, अनदर गुड न्यूज की उम्मीद आ रही है। सुबह से सैफ की जो वेबसाइट है sapad.sap.pt, वो अंडर मेंटेनेंस है। तो ये जो लोग पुराने हैं उनको उसका मतलब पता लग गया होगा कि इसका मतलब ये है कि आजकल या फिर इस नेक्स्ट वीक में डेट्स दोबारा ओपन होंगी, जो रह गई थी लास्ट ट्रिमेस्टर ऑफ 2020, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनकी पूरी पूरी उम्मीद है डेट्स खुलने की। तो जो भी वेट कर रहे हैं, प्लीज बी अटेंटिव, अपनी ईमेल्स पे ध्यान रखिए, ईमेल जरूर आएंगे आपको, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए कि सैफ का पोर्टल डाउन है। न्यू सैफ एंट्री जिस पोर्टल पे होती है, sapad.sap.pt पे, वो पोर्टल नहीं चल रहा है। आप अभी इस टाइम भी चेक कर सकते हो। अभी इस टाइम टाइम हो रहा है 3:15 बजे और डेट है 18 जून। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि अभी पोर्टल नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बाद में बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं हुआ, चल पड़ी है वेबसाइट। अभी के हिसाब से जो है वेबसाइट, वो नहीं चल रही है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, sap.pt, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो सर्विस अनअवेलेबल, दिस सर्विस इज अनअवेलेबल, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग अपना जो सर्वर है या सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, उसके अंदर सीट्स वगैरह भर रहे हैं, जैसी भी अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूलिंग कर रहे, सिस्टम कर रहे हैं। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछले 3-4 बार से ऐसे हुआ था कि जब भी अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है, उससे 1-2 दिन या 3-4 दिन पहले जो है ये लोग सिस्टम डाउन कर देते हैं, अंडर मेंटेनेंस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर वो लोग एलोकेट करते हैं सीट्स को। तो ये गुड न्यूज की उम्मीद है। प्लीज अटेंटिव रहिए अपनी ईमेल्स के लिए, एंड ऑल द बेस्ट सबको। आई होप कि सबको इस बार जो 2020 के लोग रह गए थे, सबको अपॉइंटमेंट्स मिल जाए और जल्दी जल्दी उनके फिंगर हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।